बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। हमारा नेक्स्ट लेक्चर है जी कंस्ट्रक्टर्स, लेकिन उसके लिए हम एक डिफरेंट एग्जांपल जो है वो स्टार्ट करेंगे, नए सिरे से बनाएंगे। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। ये लेफ्ट साइड पे आपको नज़र आ रहा है जो हमारा प्रोजेक्ट पैनल है। प्रोजेक्ट पैनल में जो मेन फोल्डर है उसको एक्सपेंड करें एंड देन सोर्स को एंड देन पैकेज को, तो आपको मेन डॉट जावा नज़र आ जाएगा। तो ये आपका कोड फाइल है मेन डॉट जावा। यहीं पे हम राइट क्लिक करके कॉम डॉट सी यू आई पे इस पर केयर करनी है। अगर आप यहाँ पे करेंगे तो ये प्रोजेक्ट पैकेज से बाहर चला जाएगा। तो यहाँ पर राइट क्लिक करना है, जो पैकेज नेम है कॉम डॉट जो भी आपने नाम रखा है, अगर नहीं भी रखा तो उसके जो डिफ़ॉल्ट नेम है अनटाइटल या जो कुछ भी, तो पैकेज पे क्लिक करना है। तो अकाउंट पब्लिक क्लास अकाउंट। अब ये देखिए, इसमें एक तो क्लास के साथ भी एक्सेस मॉडिफायर आ गया है क्योंकि हम मेन पैकेज से बाहर बना रहे हैं। तो पहले हमने कल यहाँ पर सिंपल क्लास स्टूडेंट लिखा था, पब्लिक क्लास स्टूडेंट नहीं लिखा था। तो यहाँ पर जब हम बनाएंगे तो हमें पब्लिक या प्राइवेट, नॉर्मली हम प्राइवेट तो क्लास नहीं बनाते क्योंकि उसकी एक्सेस क्लास से बाहर रहती नहीं है, और क्लास एक एब्स्ट्रैक्ट है और उसके ऑब्जेक्ट्स आपको मोस्टली बाहर ही बनाने होते हैं। तो पब्लिक क्लास के साथ जो एक्सेस मॉडिफायर है वो पब्लिक है क्लास, और अकाउंट क्लास नेम है, अकाउंट का एक कैपिटल है, तो ये कन्वेंशन आपने फॉलो करनी है। जो इसके एट्रीब्यूट्स फील्ड्स या वेरिएबल्स हैं, मेंबर वेरिएबल्स हैं, वो हम डिफाइन कर देते हैं। से प्राइवेट स्ट्रिंग नेम इसको नॉर्मली अकाउंट्स की लैंग्वेज में इसको टाइटल कहते हैं, तो टाइटल ही लिख देते हैं। और अकाउंट नंबर क्योंकि अकाउंट नंबर नॉर्मली डिजिट्स होते हैं, लेकिन अच्छी बात यह क्योंकि हमने अकाउंट नंबर के ऊपर कभी भी कोई अरिथमेटिक परफॉर्म नहीं करना होता, मतलब हम किसी अकाउंट होल्डर के अकाउंट में कुछ नंबर ऐड या सब्ट्रैक्ट नहीं करते, बल्कि उसके अकाउंट में कुछ चीज़ें डिपॉजिट ज़रूर करते हैं, लेकिन अकाउंट नंबर इटसेल्फ उसके ऊपर कोई प्रोसेसिंग नहीं होती मैथ की। तो बेहतर उसको स्ट्रिंग रखें, जैसा CNIC नंबर हैं, वो नंबर जो कि आपके हैं तो नंबर सेल नंबर है, लेकिन आपने उसके ऊपर कोई मैथमेटिकल ऑपरेशंस नहीं करने हैं, तो बेहतर है कि आप उसको स्ट्रिंग ही डिक्लेयर करें। एंड देन बैलेंस, एंड देन अब हमने इसको डबल कर दिया क्योंकि बैलेंस के अंदर चीजें हमने ऐड सब्ट्रैक्ट और सब कुछ करना है। एंड देन ईमेल, ओके जी, आई थिंक ये सफिशियंट है फिलहाल हमारे बेसिक कॉन्सेप्ट के लिए। हम इस एग्जांपल को डेफिनेटली ग्रो करेंगे, स्टूडेंट वाली एग्जांपल को भी ग्रो करेंगे विद द पैसेज ऑफ टाइम, उनमें फीचर्स ऐड करेंगे। तो आपको जो कि ये एक अलग से पूरा कॉन्सेप्ट है जिसमें सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट है, आपको सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजीज आपको पता होना चाहिए कि बैंकिंग में क्या चीज़ें होती हैं, या एक ऑनलाइन वेबसाइट में क्या चीज़ें होती हैं, या इन्वेंट्रीज में क्या क्या चीज़ें कंसिडर करनी होती हैं, लेकिन हम ढेर सारी एग्जाम्पल्स बहरहाल कवर करेंगे। और इसके साथ गेटर और सेटर्स, जिस टाइम हम जो हैं वो सारे गेटर और सेटर्स ऑटो जनरेट कर लेते हैं। जनरेट गेटर्स एंड सेटर्स कंट्रोल ए, हियर वी गो, तो ये सब गेटर्स एंड सेटर्स आ गए। लेकिन हमें दो मेथड और बनाने हैं, एक एक डिपॉजिट का और एक विदड्रॉ का, ठीक है। तो हम फिलहाल उन टॉपिक्स पर भी जाने से पहले, डिपॉजिट और विदड्रॉ से भी पहले, हम जो हमारा आज का टॉपिक है कंस्ट्रक्टर, तो हम इसका पहले यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं।
अकाउंट से कस्टमर 01 ये नॉर्मली स्पेलिंग या इस तरह की चीज़ों के ऊपर थोड़ी सी आपको मेंशन करता है कि ये कोई प्रॉपर स्पेलिंग नहीं है या प्रॉपर फॉर्मेट नहीं है। जैसे मैं यहाँ पे अगर खुबैब ए लिख दूंगा तो बस न्यू अकाउंट। अब ये देखिए ये एक ऑब्जेक्ट क्रिएट हो गया है, इंस्टेंस क्रिएट हो गया है और हम बैलेंस को यहाँ पर सेट भी कर सकते हैं और गेट भी कर सकते हैं। गेट बैलेंस और सेट बैलेंस में हमें कोई देखें डबल बैलेंस पास करना है, जो यहाँ पर टूल टिप आ रहा है वो डबल बैलेंस पास करना है, तो कोई डबल नंबर सॉरी यहाँ पर हमें क्योंकि प्रिंटिंग नहीं रिटर्न तो कुछ भी नहीं करता ये मेथड, तो इसलिए एरर है। तो हम यहाँ पे इसको सेट करने के बाद दोबारा गेट करते हैं। तो क्योंकि ये रिटर्न करेगा तो प्रिंट भी कर देगा, प्रिंट की कमांड चल जाएगी। तो इनिशियली 0.0 था और बाद में सेट करने के बाद जब दोबारा प्रिंट किया तो वो वही था जो हमने सेट किया हुआ। अच्छा अब हम बात करते हैं अपने कंस्ट्रक्टर की। इसमें हमने कल भी बात की कि हम जब इंस्टेंस क्रिएट करते हैं तो ये तो क्लास नेम है, ये हमारी मर्जी का कोई भी इंस्टेंस नेम है, न्यू कीवर्ड है और अकाउंट जो है ये कंस्ट्रक्टर है, ये डिफॉल्ट एग्जिस्ट करता है। फॉर एग्जाम्पल हम बिल्कुल नॉर्मली क्लास मेंबर फील्ड के फौरन बाद ही इसको हम पब्लिक कर देते हैं और यहाँ पे हम सिंपली कोई स्ट्रिंग प्रिंट करवा देते हैं। अब देखें हम यहां पर पहले से ही कंस्ट्रक्टर कॉल कर रहे हैं, तो एक एम्प्टी कंस्ट्रक्टर पहले से एग्जिस्ट करता है। सो इट्स लाइक अ फंक्शन लाइक अ मेथड विद एग्जैक्टली सेम नेम एज दैट ऑफ क्लास। तो अकाउंट नेम से ही हम एक मेथड बना रहे हैं, हमने फिलहाल उसको कुछ पास नहीं कर रहे, हम पास कर सकते हैं इसको वेरिएबल, ठीक है। और देखिए एम्प्टी कंस्ट्रक्टर कॉल्ड, तो जब भी ये कंस्ट्रक्टर कॉल हुआ है तो ये स्ट्रिंग प्रिंट हुई है, ठीक है। तो अब देखें इसकी ज़रूरत क्या है। ज़रूरत ये है कि जब भी हम एक इंस्टेंस क्रिएट कर रहे हैं तो अब इंस्टेंस इंस्टेंस ऑफ द क्लास है, ऑफ द क्लास अकाउंट है। अकाउंट में डेफिनेटली कुछ मेंबर फील्ड्स होंगे, कुछ वेरिएबल्स होंगे, तो अपेरेंटली जो स्ट्रिंग्स हैं वो सब नल होंगी, जो नंबर्स हैं वो सब जीरो होंगे या 0.0 होंगे। तो
कोई ऐसा मेथड कि हमें सेटर्स की बजाय हम इनिशियली जब ऑब्जेक्ट क्रिएट करें तो हम उसके कुछ फील्ड्स भी सेट कर दें, तो उसके लिए हम कंस्ट्रक्टर बनाते हैं और कंस्ट्रक्टर को हम यहाँ पे से ये अकाउंट क्लास है, हम मल्टीपल कंस्ट्रक्टर्स बना सकते हैं। इसके साथ हम नीचे जनरेट, बाय द वे अच्छी प्रैक्टिस ये है कि आप इसको कुछ टाइम तो ज़रूर टाइप करें ताकि आपको पता हो कि कुछ अगर किसी ऐसे आईडी में स्ट्रिंग टाइटल अकाउंट नंबर फिलहाल हम इसमें नहीं पास करते, और यहाँ पर देखें हम जैसा सेटर थे तो सेटर में हम एक वेरिएबल पास कर रहे थे और वही वेरिएबल हम दिस डॉट टाइटल इक्वल टू टाइटल सेट करके सेट कर रहे थे, ठीक है, तो असाइन कर रहे थे वैल्यू उसको, जब गेट कर रहे थे तो सिंपली हमको वैल्यू पास नहीं कर रहे, हम एक वैल्यू रिटर्न करवा रहे हैं, तो टाइटल रिटर्न करवा रहे थे। यहाँ पर इट्स लाइक अ सेटर कि हमें ये सारी वैल्यू सेट करनी है, दिस डॉट टाइटल इज इक्वल टू टाइटल, तो यहाँ पर दिस डॉट टाइटल का मीनिंग ये है कि ये जो क्लास फील्ड है वो है, जबकि इस टाइटल का मीनिंग ये है कि जो आपने यहाँ से पास किया है वो यहाँ पर इसको असाइन हो जाए। एंड सिमिलरली दिस डॉट बैलेंस तो ये देखें इसमें हमने सिर्फ अकाउंट नंबर नहीं असाइन किया, बाकी तीन चीज़ें असाइन कर दी हैं। रीज़न ये है कि नॉर्मली अगर आप इसको बैंकिंग कॉन्सेप्ट से देखें तो उसमें अकाउंट नंबर जो है वो मैन्युअली असाइन नहीं किया जाता बल्कि सिस्टम असाइन करता है, तो हम यहाँ पर एक नीचे एक मेथड बना सकते हैं असाइन अकाउंट नंबर और उसको यहाँ पर कॉल कर सकते हैं, यहाँ पर वो अकाउंट नंबर असाइन कर सकते हैं। तो नीचे हम कोई मेथड बना दें जो 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 भी किसी बैंक का सिस्टम है कि अकाउंट नंबर में जो भी लास्ट अकाउंट नंबर है उसे नेक्स्ट असाइन करना या जो भी उसके लिए मेथड होगा, यकीनन कोई फॉर्मूला होगा या कुछ प्रोसीजर होगा, तो आप वो यहाँ पर सिंपल मेथड लिख दें। ये बाय द वे आपकी असाइनमेंट का हिस्सा है, आपने वो सिंपल नीचे मेथड लिखना है और यहाँ पे उसको कॉल कर लेना है, तो अकाउंट नंबर ऑटोमेटेड वे में असाइन होगा ना कि आप उसे मैन्युअली असाइन करें। तो नेम तो आप टाइप कर देंगे और बैलेंस इनिशियली जीरो कर देंगे या जो भी किसने डिपॉजिट कराया वो कर देंगे और सेंड ईमेल। तो अब आप इस यहाँ पर देखें दो ऑप्शन आ रही हैं, नो पैरामीटर स्ट्रिंग टाइटल से नेक्स्ट इज बैलेंस डबल बैलेंस, ये देखें टूल टिप में आपको सजेस्ट कर रहा है बैलेंस से 34.2 एंड देन स्ट्रिंग ईमेल स्ट्रिंग है तो डबल कोट में लिखना होगा तो ये देखें हमने वंस अगेन इंस्टेंस क्रिएट किया है लेकिन उसको कुछ पैरामीटर्स पास किए हैं, तो इसको हम कंस्ट्रक्टर कहते हैं। ये कंस्ट्रक्टर डिफॉल्ट एम्प्टी एग्जिस्ट करता है लेकिन आप अपने कंस्ट्रक्टर्स लिख सकते हैं, ओवरराइड कर सकते हैं उनको।
लाइक दिस। देखिए आप पहले जीरो नहीं आया, 34.2 आया, क्योंकि जब इंस्टेंस क्रिएट हुआ तो हमने वहां पर बैलेंस 34.2 दिया, वो जब प्रिंट हुआ गेट करके तो वो 34.2 प्रिंट हुआ, देन हमने उसको अपडेट कर दिया तो गेट बैलेंस करते हुए वो बैलेंस भी अपडेट हो गया। तो ये अकाउंट क्लास में शुरू में हमारे पास चार फील्ड हैं, फोर फील्ड, देन एम्प्टी कंस्ट्रक्टर है, देन ये हमने ओवरराइड किया, एम्प्टी कंस्ट्रक्टर को परफेक्टली ओवरराइड किया है कि अगर जब भी आप एम्प्टी कंस्ट्रक्टर खुद से लिख देंगे तो जो डिफॉल्ट है वो एग्जिस्ट नहीं करेगा, अगर आप नहीं लिखेंगे तो डिफॉल्ट एग्जिस्ट करेगा जिसमें कुछ भी नहीं है, ठीक है, जो कि जस्ट उसमें ये सारे वेरिएबल्स या नल हैं, अगर स्ट्रिंग है डबल है तो 0.0 है, तो सब चीज़ें वही असाइन हो जाएंगी डिफॉल्ट। आप अपने कंस्ट्रक्टर लिख सकते हैं मल्टीपल पैरामीटर्स के साथ, ठीक है। आप यहां पर एम्प्टी कंस्ट्रक्टर में दिस, आप देखें एग्जैक्टली जो हमारे पास ये कंस्ट्रक्टर है नीचे वाला वो हम कॉल कर सकते हैं, टाइटल से ब्रावो, एंड देन ईमेल ब्रावो एट तो ये देखिए एम्प्टी कंस्ट्रक्टर में हमने पहले से वैल्यूज फिक्स कर दी। कभी कभी हम चाह रहे होते हैं कि हम अपने पास एक कंस्ट्रक्टर ऐसा रखें कि हमें डिफॉल्ट वैल्यूज के साथ से जीरो बैलेंस के साथ, तो जीरो बैलेंस तो वैसे ही होता है, तो कुछ उसके डिफॉल्ट पैरामीटर्स हों, तो से कोई शॉप, किसी शॉप के लिए पॉस सिस्टम बनाना है जो वहां पर पॉइंट ऑफ सेल सिस्टम होता है जिस पे वो प्रोडक्ट्स को स्कैन करके बिल जनरेट करते हैं, तो उसमें वो प्रोडक्ट्स ऐड करना चाहते हैं, तो कुछ चीज़ें वो डिफॉल्ट ऐड करना चाहते हैं, तो उसके लिए आप एम्प्टी कंस्ट्रक्टर को हमने ओवरराइड कर दिया विद सम डिफॉल्ट वैल्यूज। तो हम यहां पर अकाउंट इंस्टेंस नेम डॉट मेंबर, मेंबर से हम इसका गेट बैलेंस करते हैं। और देखें अब हमने दो अकाउंट क्रिएट किए, ब्रेवो के नाम से और खुबैब ए के नाम से, और ब्रेवो के लिए जब उसके मेंबर्स एक्सेस करने होंगे तो ब्रेवो डॉट लिखेंगे, अदरवाइज अगर खुबैब ए लिखेंगे तो खुबैब ए डॉट लिखेंगे, ठीक है। तो इंस्टेंस नेम डॉट मेंबर फील्ड या मेंबर मेथड, मेंबर फील्ड नॉर्मली हम उसकी डायरेक्ट एक्सेस नहीं देते, उसको प्राइवेट कर देते हैं, तो मेंबर फील्ड यहां पर नहीं आ सकता, हाँ अगर वो पब्लिक है तो फिर आ सकता है। तो अब हम देखते हैं कि इसका बैलेंस क्या आता है, गेट बैलेंस डेफिनेटली जो डिफॉल्ट बैलेंस अब आना चाहिए, ये देखें 34.2 और ये नेक्स्ट आ गया, और जो दूसरे का बैलेंस आया वो 45.2 जो कि हमने डिफॉल्ट बैलेंस यहां पर सेट किया है डिफॉल्ट में, क्योंकि यहां पर एम्प्टी कंस्ट्रक्टर कॉल हुआ है लेकिन जो बिल्ट इन एम्प्टी कंस्ट्रक्टर है वो ओवरराइड हो चुका है और यहां पर डिफॉल्ट वैल्यू सेट हो गई है उसकी। तो ब्रेवो के अंदर जब हमने गेट बैलेंस किया तो जो डिफॉल्ट बैलेंस था वो गेट होके प्रिंट हो गया। तो दो तीन बातें मैं एक रीकैप दे देता हूं, नंबर वन कोशिश करें कि अपनी हर क्लास के लिए डिफरेंट फाइल क्रिएट करें, यहाँ पर न्यू जावा क्लास और उसको कोई नाम दे दें, और आपको पूरा नाम सिंपल नाम लिखना है, डॉट जावा खुद ही आ जाएगा, क्लास नेम यहाँ पर क्लास नेम लिखें, ये बाद में हम इंटरफेस इनम वगैरह बाद में करेंगे, लेकिन फिलहाल ये क्लास हाईलाइटेड है डिफॉल्ट, आप उसको हाईलाइटेड के साथ सी लिखा हुआ है, और आप नेम लिखें और एंटर कर दें, आपको जावा डॉट जावा लिखने की ज़रूरत नहीं है, जावा डॉट जावा साथ खुद ही आ जाएगा, और ये केयर करें कि आपके पैकेज के अंदर ही क्लासेस हों, इससे बाहर नहीं जा रही हों। अगर आप सोर्स के ऊपर राइट क्लिक करके न्यू क्लास
करेंगे तो देखें वो बाहर चली गई। ये आपके पैकेज के अंदर नहीं है, ये क्लास पैकेज के अंदर नहीं है। तो आपने com.ui/cui या com. जो भी आपका नेम है, जिस नाम से पैकेज आपने डिक्लेयर किया है, जब आप प्रोजेक्ट बनाते हैं तो उस वक्त वो आपको ऑप्शन देता है, या आप तो उस पर राइट क्लिक करके आपने क्लास क्रिएट करनी है। तो main.java ये डिफ़ॉल्ट है, क्योंकि हमने टेम्पलेट मेंशन किया था, तो main.java वैसे क्रिएट कर देता है। अगर आप टेम्पलेट नहीं स्टार्ट करते तो आपको main.java भी, ये वाली क्लास भी खुद ही क्रिएट करनी होगी। ठीक है, पब्लिक क्लास मेन, और इसमें जो ये मेन मेथड है ये भी psvm टैप करके आप कर सकते हैं। ठीक है, psvm, तो ये सिंपल इसका शॉर्टकट है psvm। अगर आप टेम्पलेट नहीं जाने, अदरवाइज अगर आप टेम्पलेट के साथ करते हैं तो ये खुद ही पहले से टाइप होकर आ जाएगा। और दूसरी बात ये कि आपने क्लास के अंदर ही फील्ड्स प्राइवेट हैं, पब्लिक मेथड्स के थ्रू आप एक्सेस दे रहे हैं, और कंस्ट्रक्टर जो है वो हम किसी भी तरह का बना सकते हैं, सारे वेरिएबल्स के साथ भी बना सकते हैं, कुछ वेरिएबल्स के साथ भी बना सकते हैं, और फिर हम किसी एक कंस्ट्रक्टर को जिसमें वेरिएबल्स पास किए हैं उसको कॉल भी कर सकते हैं दिस के मेथड के थ्रू, डिफॉल्ट मेथड है। ठीक है, जैसे हम दिस डार्ट कर रहे थे तो दिस में वो मेंबर बन जाते हैं इसके फील्ड्स सारे के सारे, लेकिन दिस के नाम का जो मेथड है वो इनफैक्ट उसका मीनिंग ये है कि जो आपने कंस्ट्रक्टर बनाया विद पैरामीटर्स, या इवन एम्प्टी भी हो सकता है, लेकिन हम नॉर्मली कंस्ट्रक्टर कॉल करते हैं दिस के साथ। ओके जी, अभी हम एक दो मेथड्स बना लेते हैं, एक डिपॉजिट का और एक विदड्रॉ का। ओके जी, पहले डिपॉजिट, पब्लिक डिपॉजिट में हमने वैल्यू पास करनी, रिटर्न नहीं करवानी, तो वाइड डिपॉजिट, और हम इसको डबल वैल्यू पास करेंगे, डबल डिपॉजिट अमाउंट, और यहां पे प्लस इक्वल डिपॉजिट अमाउंट, मतलब आप दिस डॉट बैलेंस में जो डिपॉजिट अमाउंट है उसको ऐड करके उसको बैलेंस में सेव कर दें। तो ये सिंपल मेथड है विदड्रॉ। अब हम एक विदड्रॉ का बना लेते हैं, पब्लिक विदड्रॉ में डेफिनेटली आपने वैल्यू वंस अगेन रिटर्न करवाने की जरूरत नहीं है, वाइड विदड्रॉ, और अच्छा अब हम मतलब अमाउंट विदड्रॉ करना चाहते हैं, लेकिन हमें एक चेक जरूर लगाना चाहिए कि क्या जो बैलेंस में इस वक्त अमाउंट है वो विदड्रॉल अमाउंट से ग्रेटर है या नहीं, मोर मतलब बैलेंस को ज़्यादा होना चाहिए कि विदड्रॉल अमाउंट को कम होना चाहिए। तो इफ अब देखें, एक ऑप्शन ये है कि हम बैलेंस माइनस विदड्रॉल अमाउंट इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू जीरो, तो हम फिर दिस डॉट बैलेंस माइनस इक्वल विदड्रॉल अमाउंट,
और एल्स हम यहाँ पर इनसफिशिएंट बैलेंस प्रिंट करवा। तो ये में हमें ठीक है कि बैलेंस में से हमने विदड्रॉल अमाउंट जो पास की इससे बैलेंस 34 है और हमने 34 ही पास की, तो तब भी वो उसको अलाउ करेगा। लेकिन जब ये वैल्यू नेगेटिव हो जाएगी बैलेंस माइनस विदड्रॉल, तो फिर वो उसको अलाउ नहीं करेगा ट्रांजेक्शन को। लेकिन एक चीज़ अभी भी जो मैंने कहा कि अकाउंट आईडी जो है वो कोशिश करें कि आप अकाउंट नंबर मोस्टली आजकल 16 डिजिट का अकाउंट नंबर होता है, उसमें आप कुछ फार्मूला बना दें और उसके लिए नीचे मेथड लिख दें और उसको यहाँ पर कॉल कर लें, जो कि जो प्रोफेशनल एप्लीकेशन है बैंकिंग की उसमें वो डेटाबेसिस के अंदर स्टोर्ड होगा कि लास्ट अकाउंट नंबर क्या अभी तक राइट हुआ है, या इस तरह की कुछ चीज़ें होंगी। ओके अब हम यहां पर कुछ डिपॉजिट करते हैं। डिपॉजिट किया, गेट बैलेंस। डिपॉजिट करने के बाद गेट 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 बैलेंस एंड देन अब हम विदड्रॉ करते हैं। और हम इसको विदड्रॉ करने के बाद फिर दोबारा प्रिंट कर देते हैं गेट बैलेंस इंस्टेंस नेम डॉट मेंबर मेथड गेट बैलेंस। ठीक है जी, तो पहले इसमें एक डिफॉल्ट वैल्यू हमने राइट कर दी, उसको गेट करके प्रिंट किया, हमने उसको ओवरराइड कर दिया वैल्यूज को सेट बैलेंस करके, दोबारा गेट बैलेंस किया, हमने वैल्यू डिपॉजिट की, तो अब इस अमाउंट में अमाउंट डिपॉजिट हुई है, इससे हम इसको कुछ थोड़ा सा बड़ा नंबर दे देते हैं और फिर उसी में से हम कुछ विदड्रॉ करके दोबारा गेट बैलेंस कर रहे हैं। हियर वी गो 34.2 जब इंस्टेंस क्रिएट हुआ तो उसका कुछ बैलेंस था, बाद में हमने उसको सेट बैलेंस 8945 कर दिया, उसमें हमने 7000 समथिंग ऐड किया, 16000 हो गया, उसमें से 3000 सब्ट्रैक्ट किया, 3245 सब्ट्रैक्ट किया, तो ये 12826 आ गए। तो अब ये देखें, ये सिंपल, ये एक चीज़ नहीं है इफ एल्स। आप इस तरह अपने सॉफ्टवेयर को बग फ्री बनाते हैं कि आप इसी क्लास के अंदर डाटा भी डिफाइन कर रहे हैं, उसी डाटा के अकॉर्डिंग मेथड्स भी लिख रहे हैं, एक रहता है इसमें अकाउंट नंबर का, और आप इसी में फंक्शनैलिटी ऐड करते जाएं। ठीक है, आप जो चीज़ें रिस्ट्रिक्ट करना चाहते हैं वो रिस्ट्रिक्ट करें, जितना फुल प्रूफ बनाना चाहते हैं एप्लीकेशन को फुल प्रूफ बनाएं। से एक इंडस्ट्री है उसमें कुछ 20 तरह के वो चेक लगाना चाहते हैं कि जो उसके ऑपरेटर्स हैं वो सॉफ्टवेयर को यूं 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 ऑपरेट करें इन इन लिमिट्स में रहते हुए। आप एक रॉ स्ट्रक्चर क्रिएट करके और फिर उसको फिजिकली इंस्टांशिएट कर रहे हैं, यहाँ पे उनके इंस्टेंसेस क्रिएट कर रहे हैं। अभी तो खैर जस्ट हम सिंपल बात करें, जब हम कलेक्शंस पढ़ लेंगे, मतलब कलेक्शन इस तरह के से अकाउंट है तो अकाउंट के अंदर कोई एक बंदा अगर 1000 ट्रांजेक्शन्स करता है तो उसकी सारी ट्रांजेक्शन्स का रिकॉर्ड कैसे स्टोर करना है, तो हम जस्ट एक कलेक्शन क्रिएट करेंगे जस्ट लाइक अरेज जो हम पहले पढ़ चुके हैं, तो हम उसकी जितनी भी ट्रांजेक्शन्स होंगी वो सारी सारी उसमें स्टोर कर सकते हैं। तो ये जस्ट अभी हमने स्टार्ट किया है, हमने क्लास ऑब्जेक्ट इंस्टेंस
मेंबर फील्ड्स, मेंबर मेथड्स, इनको हम स्टैटिक प्रॉपर्टीज कहते हैं, स्टैटिक प्रॉपर्टीज, स्टैटिक एट्रीब्यूट, स्टैटिक फील्ड्स, वेरिएबल्स, और ये कंस्ट्रक्टर्स हैं दोनों। कंस्ट्रक्टर जो है कोई इंस्टेंस क्रिएट करने के लिए जो आप मेथड बनाते हैं उसको कंस्ट्रक्टर कहते हैं। और उसके बाद हमारे गेटर्स और सेटर्स हैं जो कि हम वो भी सब मेथड्स हैं। और एंड पे हमने दो मेथड्स और बनाए हैं, विदड्रॉ और डिपॉजिट का। तो आप जितने मर्जी मेथड्स बना लें, यहाँ पर आप जब जस्ट इंस्टेंस क्रिएट करेंगे तो सारी फंक्शनैलिटी उस इंस्टेंस को अवेलेबल होगी, उसके मेंबर फील्ड की भी कॉपी एक मेमोरी में जगह बन जाएगी और मेथड्स के लिए भी। ये क्लास जो है ये कंप्यूटर की मेमोरी में कोई जगह नहीं लेती, ठीक है। ये एक एब्स्ट्रैक्ट है और ब्लूप्रिंट है, या यूं कह लें कि एक स्ट्रक्चर है, एक ब्लैंक स्ट्रक्चर है जिसको हमने फिलअप यहाँ पर किया है। ये फिलअप किया है, ना भी फिलअप करें, क्रिएट कर लें, बाद में फिलअप कर लें तो वो फिलअप हो सकता है। तो ये उसका एक फिजिकल कह लें, लेकिन फिजिकल डेफिनेटली सॉफ्टवेयर में तो कोई फिजिकल चीज़ नहीं होती, लेकिन उसके ऑन कॉन्ट्रेरी कि वो एब्स्ट्रैक्ट है तो ये फिजिकली एग्जिस्ट करता है, या ये एक इंस्टेंस है उसी क्लास का, अकाउंट क्लास का। तो इसको यहाँ पे वाइंड अप करते हैं, हम नेक्स्ट में इंशाल्लाह इनहेरिटेंस को देखते हैं, और जो कि इनकैप्सुलेशन के बाद इनहेरिटेंस ज़्यादा इंपॉर्टेंट एक कॉन्सेप्ट है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग।